विराष्ट्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासर अली। इस वक्त मैं एनसीसी विंग एमएएम कॉलेज जम्मू में मौजूद हूं, जहां आज जेएंडके सेकंड बटालियन की तरफ से ग्रेजुएशन के बाद कैरियर पर एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम जो है वो इनेकाद किया गया। इसमें फर्स्ट जेएंडके नेवल यूनिट एनसीसी और एनसीसी आईकेएफ एसी के ताउन से जो है वो ये प्रोग्राम मुनाकत किया गया। इसमें स्टूडेंट, इसमें नेशनल कैडेट कॉर्प्स को ग्रेजुएशन के बाद कैरियर पर जो है वो लेक्चर्स दिए गए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया गया। क्या कुछ था इस काउंसलिंग में, आइए कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर कुलभूषण चंद्र, एक्सपर्ट इन इंग्लिश। एंड आज मुझे यहाँ एमएम कॉलेज में हमारे वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर करण सिंह जी, इनकी कोऑर्डिनेशन से हमें एक यहाँ बच्चों को अवेयरनेस लाने में एक मौका मिला। सो वी वर रियली अमेज्ड टू सी द एनर्जी अमंग यंग कैडेट्स। बहुत ही एनर्जेटिक दिखे और इनको मोटिवेशन की ज़रूरत हमने फील की कि मोटिवेशन दी जाए तो ये दुनिया की कोई भी हद को पार कर सकते हैं। और अच्छा लगा प्रिंसिपल सर की कंट्रीब्यूशन इन बच्चों को बनाने में बहुत ज़्यादा रही। हमारे डॉक्टर करण सिंह जी एनसीसी को होल्ड ऑन कर रहे हैं, इन्होंने बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया। मुझे नहीं लगता ये बच्चे बड़े होके देश की एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स बन के देश को बचाएंगे, आगे ले जाएंगे। और इन बच्चों के कारण ही ये देश पूरे विश्व में ये महाशक्ति बनेगा। एक यूथ की स्ट्रेंथ जो है, दे कैन बी वंडरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एंटायर कंट्री। और मुझे नहीं लगता इतनी एनर्जी से हमारा हिंदुस्तान कहीं कम रहेगा। जैसे कि आपने आज लेक्चर वगैरह जहाँ पे बच्चों को दिया, उस लेक्चर का मकसद क्या है? हाँ, इनको लेटेंट जो छुपी हुई जो इधर यूजलेस एक्टिविटीज़ में ये एनर्जी यूटिलाइज कर देते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव जो यूज़ है इनका, एनर्जी को यूज़ करना, वो इनको थोड़ा सा अवेयरनेस देनी थी। क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं एक्सट्रेनियस यूजलेस एक्टिविटीज़ में, इनको अगर डायरेक्शन दी जाए तो ये डायरेक्शन लेके देश के काम, अपने समाज के काम और पूरी कायनात के लिए ये बहुत ही यूज़फुल प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। और इनको मिलके बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चे तो हमारी सिस्टम को बदलेंगे, बिकॉज इनमें जितनी एनर्जी है तो ये दे कैन बी द एजेंट्स ऑफ चेंज इन द कंट्री। टॉपिक क्या था सर आज के इसका? हाँ, हमने इनको बताया कि कम्युनिकेटर्स जो भी होता है वो मैसमराइज कर सकता है। दुनिया में अगर लोगों ने बदलाव लाया है तो कम्युनिकेशन से लाया। इनको एक कम्युनिकेशन स्किल जो नहीं देखी गई इनमें, वो लाने की कोशिश की हमने। जब ये अच्छे कम्युनिकेटर हो जाएंगे तो जहाँ ये बोलेंगे पीपल विल कम टू लिसन देम। और जब कोई किसी को ध्यान से सुनता है और उनके वर्ड्स जो हैं, उसके बोले गए वर्ड्स लोगों में भी बदलाव ला सकते हैं। और ये इन बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए हम यहाँ आज आए, तो मुझे तो 100% है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इनको दीजिए आज से ही अपने में अडॉप्ट करके, इनवाइट करके, और ये चेंज खुद बनेंगे और चेंज का एक पार्ट बन जाएंगे। स्मॉल ग्रुप ऑफ एनसीसी कैडेट्स कैन स्प्रेड द मैसेज बाय देयर एक्शंस। यू नो इट इज वेरी मच श्योर, need not to speak anything, your action will tell you everything about you. Vivekananda said your action speaks louder than your words. Need not to say anything, you act in the college, you act on the street, you act at home in a different way, definitely others would see change in them and in the surrounding. So you are the change for tomorrow. Change yourself, there would be definitely a change around you. Tomorrow the new sun must rise with change. And
टुडे इवनिंग प्लान दैट टुमारो आई वॉन्ट बी द सेम एज आई एम टुडे. चेंज फ्रॉम टुडे रदर नाउ. टुमारो वुड बी चेंज, द डेज वुड नेक्स्ट डे द न्यू रेस, न्यू एनर्जी एंड न्यूनेस एवरीवेयर स्प्रेडिंग ऑल. One must feel this is a change, because you have to bring change, not expecting change in others. I never thought of that I would change you. I always focused on I would change myself. If I changed, you are bound to change. And with these words, all undergraduates must come up, rise from your existing level, raise your level, and give best to your country. Obviously, your family will feel proud of you. Our son or daughter is not the son of this family. She has become the son or daughter of the society. With these words, I extend again thanks to Principal Sir, Dr. Karan Singh Ji, our colleagues and my dear students. If you found something new in me, try to extract that from me, develop in you, and tomorrow you must feel that I am a changed personality. Target communication. My focus is on communication. You must be a very good communicator. Try to develop it. Get from any other sources which you want to. I will introduce for 10 minutes Miss Shivani. She will tell you after graduation or during graduation what can you plan for your future career. Career in a sense. One is already I talked about. Second is, after graduation, if you don't have one particular mind, what second, what third, what fourth, there are countless career options for you. Listen her for 10 minutes, she would just give you, and try to catch if you found something worthwhile for listening and for catching. Now, like we are students of science, या कोई बी एड वगैरह करते हैं तो आजकल जैसे हम प्राइवेट कॉलेजेस में स्कूल्स में जाते हैं तो कुछ चीजों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे पीसीआई अप्रूवल होना, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कॉलेज का होना जरूरी है. क्योंकि अगर आप किसी बाहर के कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हो, अगर वो हमारे जेएनके के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती. सेम एज आप बी एड करते हो या एम एड करते हो तो वो एनसीटीई और एआईसीटीई अप्रूवल होना चाहिए. तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप लोगों के अंदर अवेयरिटी होनी चाहिए. पर बिग थिंग इज दैट कि आपको अपना फ्यूचर किस लाइन में लेना है. गवर्नमेंट लाइन के लिए आप ऑप्शन रखो, ये ऑप्शन आपका रहेगा, बट डोंट बी वेस्ट योर टाइम. लेकिन इन चीजों में अपना वक्त जो है वो बर्बाद मत करो. आपने एग्जाम दिया, एक बार दिया, दो बार दिया, सेकेंड लाइन आपने चूज की, बट साइड बाई साइड कुछ ऐसा अपने बारे में प्लान करके रखो ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे हमारे पास एमबीबीएस के लिए आते हैं, एमबी के लिए, बीडीएस के लिए होते हैं, इसमें नीट क्वालिफाइड होना जरूरी होता है. अगर अब्रॉड के लिए तुम लोग करते हो, अब्रॉड के लिए कॉलेजेस मिल जाते हैं और बिग थिंग इज डिपेंड कर सकते हैं, और प्राइवेट के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल कल को प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं लगा तो आपका जो फ्यूचर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आप प्राइवेट में ही सही अपने पाँव पे स्टैंड होंगे. ठीक है, तो हमारा ऑफिस में कॉमर्स कॉलेज के नियर बाय है जीवन में. वी डोंट हैव एनी चार्ज, हम कोई चार्जेस नहीं लेते बच्चों से, फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग बच्चों को देते हैं. और आप एनी टाइम किसी भी चीज को लेके इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू, कि आपको जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपने पीजी किया, नहीं आपके कोई एग्जाम क्लियर हुए, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट योर स्टडी, योर कोर्सेज एंड योर जॉब. तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस उसके लिए होना जरूरी है. ठीक है, thank you for that. Thank you for Mr. Kulbushan ji, and he introduced us to these five categories of people, and I hope
You will maintain that in yourself, and this is something that will help you to achieve every kind of success that you aspire for. I want to thank Ms. Shivani ji for introducing this new idea of education counseling. I want to thank our major Dr. Karan Singh sir for organizing this lecture, and I want to last thank our print media for covering this event. Thank you everyone. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Mata ki Jai!